हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बिकम स्टेनोग्राफर। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम वी के वोल को सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम लास्ट वीडियो में पा और मी दो हैवी साउंडेड वोल सीख चुके हैं। सो आज हमारा थर्ड नंबर का वोवल है वी का वोवल। सो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा थर्ड नंबर का वोवल है, ये हैवी साउंडेड है। अभी हम हैवी साउंडेड सीरीज को सीख रहे हैं जिसमें छह वोवल्स होते हैं और लाइट साउंडेड सीरीज के छह वोवल होते हैं। सो आज हमारा तीन नंबर का वोवल आता है वी। ठीक है फ्रेंड्स, सो वी के वोवल में जो साउंड आता है वो आता है ई। तो ये साउंड थोड़ा हैवी होता है और इस साउंड को आपको प्रोनाउंस करने के लिए थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ता है। सो अब हम इसकी पहचान देखते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ई यानी हैवी साउंड आता है। सो अब हम इंग्लिश वर्ड में हमें कैसे पता चलेगा कि इस वर्ड में वी का वोवल आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, सो इंग्लिश वर्ड के अंदर आपको ई देखने को मिलेगा, डबल ई देखने को मिलेगा, ई ए देखने को मिलेगा, ई आई देखने को मिलेगा, ई वाई भी देखने को मिलेगा आपको, या आई ई और एटसेट्रा। जो भी ई यानी हैवी वोवल आएगा वो इंग्लिश वर्ड के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इंग्लिश वर्ड के बीच में आपको ई देखने को मिलेगा और एंड में भी आपको ई देखने को मिलेगा। इससे हमें पता चलेगा कि इस वर्ड में ई यानी हैवी साउंड आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, सो हम इसकी अदर पहचान देखते हैं क्या आती है। ये तो एक हैवी साउंडेड वोवल है, यानी आपको हमने बताया ई यानी साउंड इसका हैवी आता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसकी जो पहचान के लिए हमें पता है कि इसका जो साइन होता है वो एक डार्क डॉट होता है। जैसा कि आप यहाँ विद इन ब्रैकेट देख सकते हैं, एक डॉट दिख रहा होगा, ये डॉट डार्क डॉट होता है फ्रेंड्स, ये इसका साइन है। जैसे कि हमने आपको बताया, शॉर्ट एंड एक साइन लैंग्वेज होती है और ये साउंड पर ही बेस्ड होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका वोवल की प्लेसिंग कहाँ होगी, थर्ड प्लेस वोवल। यहाँ आप देख सकते हैं थर्ड प्लेस, हर आउटलाइन के तीन प्लेसेस होते हैं, हमने आपको बताया फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये वोवल कहाँ प्लेस होगा, थर्ड प्लेस पे। और चौथा इसका पॉइंट है, आप देखते हैं ऑन ओब्लिक थ्रू द लाइन आउटलाइन इसकी बनती है। ये हमारी नोटबुक की लाइन होती है, इसकी आउटलाइन या तो ऑन द लाइन बनेगी या फिर थ्रू द लाइन बनेगी, इस टाइप से आप देख सकते हैं। थ्रू द लाइन का मतलब होता है लाइन को चीरते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, ऑन द लाइन आउटलाइन वो बनती है जो हमारी पड़ी रेखा होती है, हॉरिजॉन्टल आउटलाइन, जो हम के या गे हमने सिखाया है आपको। आपने कॉन्सोनेंट्स के अगर वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल सीखते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हमने इसके लिए हैं। ये हमारी जो लाइंस दिख रही है आपको, ये लाइंस हमारी नोटबुक की लाइन है, जो हमारी शॉर्ट हैंड नोटबुक होती है या कोई भी हमारी नोटबुक होती है लॉन्ग बुक जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, उसकी ये लाइन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके एग्जाम्पल सीखते हैं और उनकी पोजीशन देखेंगे कि वोवल कहाँ प्लेस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वी। जैसे कि ये हमारा वोवल ही है वी। ठीक है, वी वर्ड ही है, हम इसका मतलब होता है आपको पता ही है। सो इसकी आउटलाइन कैसे बनेगी, इसमें साउंड वी, इसका साउंड थोड़ा हैवी होता है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो वी के वोवल के, जिसका सारा साउंड, सबका साउंड थोड़ा हैवी आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी आउटलाइन कहाँ बनेगी, हमने यहाँ लिखा है ऑन ओब्लिक थ्रू द लाइन, यहाँ पे थ्रू द लाइन आउटलाइन बनेगी, तो इस लाइन को चीरते हुए आउटलाइन बनेगी। तो वे हमारा कॉन्सोनेंट है, हमारा यहाँ वे का आउटलाइन बनाएंगे हम, ये वे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी आउटलाइन के लिए वोवल प्लेस कहाँ लगेगा, वी के बाद में साउंड आ रहा है तो थर्ड प्लेस पे बाद में लगेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जहां से आउटलाइन बनना शुरू होती है वो होता है उसका फर्स्ट प्लेस, जहां पे आउटलाइन खत्म होती है वो होता है थर्ड प्लेस, और फर्स्ट और थर्ड के बीच का जो पॉइंट होता है वो होता है सेकंड प्लेस। सो इसका रूल हमारा कहता है कि थर्ड प्लेस का वोवल होता है तो हम थर्ड प्लेस पे वोवल लगाएंगे। व यहाँ पे देख सकते हैं, व के बाद में ई यानी सिंगल ई, ये आपको पहचान देखने को मिलेगी, यानी बाद में साउंड आ रहा है तो हमें इसके बाद में वोवल लगाना है, यानी वे वी के बाद में वोवल लगाना है, वे की आउटलाइन के बाद में। सो यहाँ पे हम थर्ड प्लेस पे डार्क डॉट लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक डार्क डॉट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ही, यानी इसका एग्जांपल है वी के वर्ड का ही, इसका भी साउंड थोड़ा डार्क हैवी आता है। तो हे की आउटलाइन बनाएंगे, हे ये डाउनवर्ड यानी थ्रू द लाइन आउटलाइन बनेगी। क्यों, क्योंकि हमारा रूल कहता है कि थर्ड प्लेस का वोवल आता है और आउटलाइन हमेशा थ्रू द लाइन बनती है। वी यानी ही, आप साउंड महसूस कर सकते हैं ई का साउंड आ रहा हैवी साउंड, तो थर्ड प्लेस में ह के बाद में सवार आ रहा है तो वोवल आ रहा है, तो हम थर्ड प्लेस में यहाँ पे डार्क डॉट लगा देंगे। आपको थोड़ा केयरफुली देखना होगा, इस डॉट को पहचानना होगा, बिकॉज वोवल जब तक हम अच्छे से उसको नहीं समझेंगे हमें पता नहीं चलेगा। सो आप थोड़ा ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा शी, इस आउटलाइन बनेगी, आपको कॉन्सोनेंट अच्छे से ध्यान होने चाहिए,
इसकी आउटलाइन हम थ्रू दी लाइन बनाएंगे, और ई यानी वी का साउंड बाद में आ रहा है थर्ड प्लेस पे, तो यहाँ थर्ड प्लेस पे हम एक डॉट लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा वर्ड है टी, ज्यादातर लोग शौकीन होते हैं टी के। ठीक है फ्रेंड्स, सो अब हमें देखना है ट, यानी टी हमारे एक कॉन्सोनेंट है, हमने सीखा है पी बी टी डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो टी अब उसमें वोवल आ रहा है थर्ड प्लेस का, तो थ्रू दी लाइन आउटलाइन बनाएंगे टी को और थर्ड प्लेस पे वोवल लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ई ए जो है यहाँ पे ई ए आप देख सकते हैं टी के बाद में आ रहा है, यानी टी के साउंड, टी का जो कॉन्सोनेंट है हमारा उसके बाद में साउंड आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ईट। इसके लिए भी अब देखिए आप, यहाँ पे ई ए अब यहाँ पे पहले आ गया है, ये ई ए यहाँ पे हमारा पहले आ रहा है टी से, तो साउंड पहले आ रहा है तो हमें साउंड को पहले प्लेस करना है वो, पर आउटलाइन हमेशा पहले बनाई जाती है। कॉन्सोनेंट जो होता है हमेशा कॉन्सोनेंट पहले बनता है, उसके बाद में अगर वोवल आ रहा है तो वोवल को हम बाद में लगाते हैं, और अगर वोवल पहले आ रहा होता है तो हम पहले लगाते हैं। सो ईट है हमारा, तो टी की आउटलाइन बनाएंगे और वोवल पहले आ रहा है तो थर्ड प्लेस पे यहाँ पे वोवल लगा देना है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है बी, बी जो मधुमक्खी होती है वही वाला, बी की आउटलाइन है हमारे पास थ्रू दी लाइन बनेगी, और वोवल जो आ रहा है डबल ई से हमें पहचान मिल रही है यहाँ पे कि यहाँ पे वी का वोवल आ रहा है, तो थर्ड प्लेस पर हम डार्क डॉट लगा देंगे ये यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, आप एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है दी, इथ और दी की आउटलाइन हमने सीखी थी, कॉन्सोनेंट है तो दी थ्रू दी लाइन बनाएंगे आउटलाइन। अब वो वोवल देखिए डबल ई बाद में आ रहा है, यहाँ पे डबल ई दिखेगा आपको, तो दी की आउटलाइन के थर्ड प्लेस पे यहाँ पे वोवल लग जाएगा लास्ट पॉइंट पे। थर्ड प्लेस होता है आउटलाइन का लास्ट पॉइंट, जहां पे हमें आउटलाइन के वोवल लगाना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है जी, हम जी टीवी बहुत देखते हैं, जी काफी पॉपुलर चैनल है, तो ज यानी जे के बाद में साउंड आ रहा है डबल ई, तो हम वोवल बाद में लगाएंगे, ये यहाँ पे थर्ड प्लेस पे वोवल लगाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्जाम्पल इसका नी, एन हमारा एक कॉन्सोनेंट सीखा है एन, उसके बाद डबल ई दिख रहा होगा आपको, डबल ई यानी साउंड बाद में आ रहा है, तो एन की आउटलाइन बनाएंगे ऑन द लाइन। हॉरिजॉन्टल आउटलाइन होती है और एम एन इन ये आउटलाइन जो होती है ऑन द लाइन बनती है, अगर इसमें थर्ड प्लेस का वोवल भी आ रहा हो तब भी ये आउटलाइन ऑन द लाइन बनेगी, तो एन की आउटलाइन हम ये ऑन द लाइन बना दी हमने। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने आपको लिख के बताया था ऑन ऑब्लिक थ्रू द लाइन आउटलाइन बनेगी, तो हमारी एक तो हॉरिजॉन्टल आउटलाइन होती है वो ऑन द लाइन बनती है, और एम एन इंग और इंक भी हमने आपको सिखाया, इंक और एंक जो हमारा 27वें नंबर का कॉन्सोनेंट है, सो उसके लिए आउटलाइन हम यहाँ पे थर्ड प्लेस पे वो लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारा वर्ड ईच, चे, चे की आउटलाइन बनेगी थ्रू दी लाइन, क्यों? क्योंकि वोवल इसमें पहले आ रहा है, चे से पहले वोवल आ रहा है ई ए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हम थर्ड प्लेस पे वोवल यहाँ पे लगाएंगे डार्क डॉट। ई वाई ई से हमारा ये का कॉन्सोनेंट सीखा है हमने, ये की आउटलाइन बनाएंगे और थर्ड प्लेस पे वोवल, क्यों? क्योंकि सिंगल ई भी हमारी एक पहचान है वी के वोवल की। नेक्स्ट हमारा वर्ड ईल, वी का साउंड पहले आ रहा है और एल का कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो एल थ्रू दी लाइन हम दिखाएंगे, एल की आउटलाइन बना के वोवल पहले लगाएंगे। तो अब यहाँ पे हमें पढ़ना है कैसे इस वर्ड को, पहले हम साउंड पढ़ेंगे और उसके बाद हम कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे, तो वी का साउंड पहले पढ़ेंगे ई और ल, यानी ईल वर्ड हो गया हमारा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा की, अब के हमारी क्या है हॉरिजॉन्टल आउटलाइन है और ये हमेशा ऑन द लाइन बनती है, आपको हमने सिखाया है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये लाइन जो लाइन पर के बनेगा और एक वोवल थर्ड प्लेस पर लगेगा, ये यहाँ पे आपको शायद यहां ना दिखे तो आपको समझना है कि ऑन द लाइन आउटलाइन बनेगी के की। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फी, एफ के बाद साउंड आ रहा है, आपको ये ध्यान रखना है वोवल अगर बाद में आ रहा है वर्ड में तो वोवल बाद में प्लेस करना है, एफ की आउटलाइन बनाएंगे थ्रू द लाइन और थर्ड प्लेस पे वोवल लगा देंगे, तो इसको पढ़ेंगे हम फी। ठीक है फ्रेंड्स, सो अभी हमें एक वो एक रूल है हमारे पास थर्ड प्लेस के लिए, उस रूल को अब हम सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड प्लेस के रूल के बारे में बताएंगे कि थर्ड प्लेस का रूल क्या होता है। सो जैसे कि हमने आपको यहाँ पे लिख के बताया, आपको इस रूल का आप पहले तो ये या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में और याद करने में ईजी रहे। ये रूल क्या कहता है कि जब दो या दो से अधिक स्ट्रोक्स या आउटलाइन, हमने आपको बताया या तो हम स्ट्रोक कह सकते हैं या आउटलाइन कह सकते हैं, जब दो या दो से अधिक स्ट्रोक या आउटलाइन हो और थर्ड प्लेस का वोवल हो, ये चीज ध्यान रखना आप, थर्ड प्लेस का वोवल हो तो पहली आउटलाइन के, जो हमारी पहली आउटलाइन होगी किसी वर्ड की पहली आउटलाइन, उस पहली आउटलाइन के आगे बाद में या नीचे लगने वाला थर्ड प्लेस का वोवल, आप ये चीज ध्यान रखना, पहली आउटलाइन के आगे बाद में या नीचे लगने वाला थर्ड प्लेस का वोवल, यहां पर लिखा थर्ड प्लेस, दूसरी आउटलाइन के, दूसरी जो हमारी आउटलाइन आएगी उस दूसरी आउटलाइन के पहले या ऊपर, ये चीज ध्यान रखना है आपको,
जो दूसरी आउटलाइन होगी उस आउटलाइन के पहले या ऊपर थर्ड प्लेस पर लगेगा। यहां पे थर्ड प्लेस लिखा है, थर्ड प्लेस पर लगेगा। यह हमारा एक रूल है जो हमें पिटमैन ने सिखाया है, जो हमारे शॉर्ट हैंड बुक के जो ऑथर है सर आइजैक पिटमैन, उन्होंने ये रूल बताया है। उस रूल के अकॉर्डिंग हमें आउटलाइंस को बनाना है। ये हमारा वी का वोवल चल रहा है, अभी वी का वोवल थर्ड प्लेस का होता है। सो ये इसी से ही रिलेटेड एक रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इस रूल को आपको याद करना है और समझना है। अगर आपको ये रूल समझ में आ गया तो आपको आउटलाइन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो इस रूल को आप जल्दी से जल्दी आप याद कर लीजिए। आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अच्छे से इसके रूल को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम उस एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा वी, यहाँ पे आप देख सकते हैं वीक हमारा एक एग्जाम्पल है। सो अब हमें ध्यान रखना है, जो हमारा जब थर्ड प्लेस का वोवल आता है तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारी पहली आउटलाइन बनेगी वर्ड की, उस आउटलाइन को हमें एज पर रूल बनाना है। वी का वोवल हमें बताता है कि हमारी आउटलाइन थर्ड प्लेस पे हमारा वोवल लगता है और आउटलाइन हमेशा थ्रू द लाइन बनती है। सो अब आप इसमें देख सकते हैं वे और के दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं और इस कॉन्सोनेंट के बीच में एक वी का वोवल आ रहा है, डबल ई हैवी साउंड आ रहा है। सो अब हमें क्या करना होगा, वे जो हमारे आउटलाइन है उसको हमें थ्रू द लाइन दिखाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो हमने अभी यही बताया आपको, पहली आउटलाइन जो होगी उसको हमें थ्रू द लाइन दिखाना पड़ेगा, यानी एज पर रूल दिखाना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे वे की आउटलाइन थ्रू द लाइन बनाएंगे और के इसमें ऐड कर देंगे। अब अगर हमारा सिंगल वर्ड होता वी तो हम वे के थर्ड प्लेस पे वोवल लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वे के बाद में वोवल आ रहा है। अब ये जो हमारा थर्ड प्लेस का रूल है इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो पहली आउटलाइन के थर्ड प्लेस पे वोवल लगता वो यहां ना लग के दूसरी आउटलाइन के पहले या ऊपर लगेगा। अब हमारी के दूसरी आउटलाइन के हॉरिजॉन्टल आउटलाइन है, सो हमारी हॉरिजॉन्टल आउटलाइन के ऊपर वोवल लगेगा। सो अब हमारा जो वोवल यहां लगता, जो यहाँ पे थर्ड प्लेस पे लगता है, वो वोवल यहां ना लग के वो वोवल कहां लगेगा, दूसरी आउटलाइन के ऊपर लगेगा। क्यों? क्योंकि के हॉरिजॉन्टल आउटलाइन है। सो यहाँ पे हम थर्ड प्लेस पे वोवल लगा देंगे, एक डार्क डॉट लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि जो पहली आउटलाइन के थर्ड प्लेस पर जो वोवल लगता, ठीक है, वो दूसरी आउटलाइन के पहले या ऊपर लगेगा। इस रूल का यही मतलब, इस रूल के कहने का मतलब यही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं लीक। ठीक है फ्रेंड्स, एल और के दो कॉन्सोनेंट है और ई ए से हमें पता चल रहा है वी का वोवल आ रहा है और हैवी साउंड आ रहा है लीक। ठीक है, तो एल को हमें थ्रू द लाइन दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें पहली आउटलाइन को हमेशा थ्रू द लाइन दिखाना पड़ेगा अगर वी का वोवल आ रहा है। सो पहली आउटलाइन हमें एज पर रूल बनानी है। सो एल की आउटलाइन बनाएंगे और के इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो अब ली वर्ड होता तो एल के थर्ड प्लेस पे वोवल लगता, अब इसमें के एडिशनल है तो के ऊपर लगेगा। क्यों? क्योंकि के हमारी हॉरिजॉन्टल आउटलाइन है। सो थर्ड प्लेस पे यहाँ पे एक वोवल लगेगा, डार्क डॉट, क्योंकि वी का जो साइन होता है वो डार्क डॉट होता है और थर्ड प्लेस पे वोवल लगता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नील, एम और एल दो कॉन्सोनेंट है और ई ए यहाँ पे बीच में आप पहचान देख सकते हैं, ई ए आ रहा है, हमें पता चल रहा है नील। ठीक हैवी साउंड आ रहा है। सो अब हम एम की आउटलाइन बिलो द लाइन बनाएंगे और एल को थ्रू द लाइन दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर एम की आउटलाइन को हम ऑन द लाइन दिखाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये थर्ड प्लेस का वोवल है या इसमें नहीं है। ठीक है, सो हमें एक आउटलाइन को थ्रू द लाइन दिखाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि एम जो कॉन्सोनेंट है हमारा वो हमने आपको बताया ऑन द लाइन नहीं, मतलब उसको हम थ्रू द लाइन नहीं बता सकते। सो इसीलिए हमने यहाँ पे एल को थ्रू द लाइन दिखाया। सो इससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें थर्ड प्लेस का वोवल आ रहा है। सो अब हमें थर्ड प्लेस का वोवल हमारा एल के ऊपर लगेगा थर्ड प्लेस पे। क्यों? क्योंकि इसमें वी का वोवल आ रहा है, यानी थर्ड प्लेस का वोवल आ रहा है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कीड। जैसे कि अभी आपको बताया के भी हमारा एक हॉरिजॉन्टल आउटलाइन है, उसको हम थ्रू द लाइन नहीं दिखा सकते। सो हमें करना क्या है, हमें जैसे हम यहाँ पे के और डी दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं तो इन दो कॉन्सोनेंट के चक्कर में हमें डी को हम थ्रू द लाइन दिखा देंगे। तो के की आउटलाइन हमारी एबो द लाइन बनाएंगे और डी की आउटलाइन थ्रू द लाइन। सो इसमें जो वोवल लगेगा दूसरी आउटलाइन के पहले या ऊपर, तो डी हमारी वर्टिकल आउटलाइन है तो पहले लगेगा थर्ड प्लेस पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप एग्जांपल्स पे ध्यान दीजिए कहाँ पे वोवल लग रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लीव, तो एल की आउटलाइन थ्रू द लाइन दिखाएंगे और वी की आउटलाइन बनाएंगे, तो पहली आउटलाइन के थर्ड प्लेस पर लगने वाला वोवल दूसरी आउटलाइन के पहले या ऊपर लगेगा। तो पहली वी जो हमारी आउटलाइन है उसके पहले वोवल लगेगा थर्ड प्लेस पे, एक यहाँ पे थर्ड प्लेस पे डार्क डॉट लगेगा। आप वोवल्स को ध्यान से देखिए, आप एग्जांपल्स को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कील, के लगाया आउटलाइन और एल बनाया थ्रू द लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वोवल्स थर्ड प्लेस पर लगेगा दूसरी आउटलाइन के पहले या ऊपर। एल की आउटलाइन हमारी जो है वो कर्व आउटलाइन है तो उसके लिए थर्ड प्लेस पे हमारा वोवल लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है हमारा लीड,
एल की आउटलाइन बनेगी पहले थ्रू द लाइन और डी की आउटलाइन बन जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई, और दूसरी आउटलाइन के पहले या ऊपर, डी वर्टिकल आउटलाइन है तो पहले ओवल लगेगा। तो हम कैसे पढ़ेंगे, एल के बाद ओवल पढ़ेंगे, ल ईड यानी लीड, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड हमारा डी, तो डी की आउटलाइन बनाएंगे और एल बनाएंगे और थर्ड प्लेस पे ओवल लग जाएगा। आप रूल को इसमें अप्लाई करके देखेंगे आपको इजीली समझ में आएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है कीप, तो के की आउटलाइन, सॉरी थोड़ी टेढ़ी हो गई, के की आउटलाइन बनाएंगे और पी की आउटलाइन बनाएंगे और ये थर्ड प्लेस पे ओवल लगेगा। आउटलाइन को लाइट और डार्क का भी आपको ध्यान रखना है। शीट वर्ड है हमारा, इसको थ्रू दी लाइन लिखाएंगे, टी बनाएंगे और इसके बाद ओवल आ रहा है, इसके बाद ओवल आ रहा है, टी टी से पहले आ रहा है तो दूसरी आउटलाइन के पहले ही ऊपर, टी हमारी वर्टिकल आउटलाइन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बीट, तो बी की आउटलाइन बनाएंगे, टी की आउटलाइन बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरी आउटलाइन के पहले ओवल लगेगा, क्यों, क्योंकि थर्ड प्लेस का ओवल आ रहा है इसमें, यानी बी का ओवल आ रहा है, तो यहाँ पे एक ओवल लग जाएगा डार्क डॉट। नेक्स्ट वर्ड हमारा थीम, तो इथ की आउटलाइन बनाएंगे हम और एम की आउटलाइन बनाएंगे, दूसरी आउटलाइन के पहले लगेगा या ऊपर लगेगा, एम की आउटलाइन के ऊपर ओवल लगता है तो यहाँ पे हम थर्ड प्लेस पे ओवल लगा रहे हैं। सो ये कुछ एग्जांपल्स थे, इसके थ्रू हमने आपको समझाने की कोशिश की है, जब दो से अधिक आउटलाइन आ रही हो वर्ड में तो कहां पे ओवल लगेगा, तो दूसरी आउटलाइन के पहले या ऊपर थर्ड प्लेस पे ओवल लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स, एटसेट्रा। इसके और भी कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप इसके एग्जांपल्स अपने मन से सोचिए और उसको आउटलाइन बनाने की कोशिश कीजिए, इससे क्या आपको जल्दी समझ में आएगा। सो आज के वीडियो में इतना ही, ये रूल काफी इंपॉर्टेंट है, इस रूल को आप जल्दी से याद कीजिए और समझिए, ठीक है फ्रेंड्स। सो आज के वीडियो में इतना ही, इफ यू लाइक अवर वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।